पांच राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर चल रही बातचीत के बाद नामों की घोषणा कर दी गई है। झारखंड भाजपा की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को दी गई है। झारखंड बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। जारी चिट्ठी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष के घोषणा संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। झारखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का राजनीति सफर काफी रोमांचक रहा है। बाबूलाल मरांडी राजनीति में आने से पहले बतौर शिक्षक काम कर रहे थे। वे गिरिडीह के देवरी स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी कर रहे थे। इसके बाद से वे राजनीति की राह पकड़ ली। वे संघ के संपर्क में आए। साल 1990 में बाबूलाल मरांडी को संथाल परगना के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। साल 1999 में अटल वाजपेयी की सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। झारखंड राज्य अलग होने पर 2000 में बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। फिर साल 2003 में पार्टी में विरोध के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।